नाश्ता आ रहा है, किटी आंटी ला रही हैं, और ज्यादा शोर मचाओगे तो पापा पीट डालेंगे। हाँ लो, आ गया तुम लोगों का नाश्ता। क्या बात है दीदी, जीजा जी अभी तक नहीं आए? लो आ गए तुम्हारे जीजा जी। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग जीजा जी। हाँ? आप तो सबसे पहले आने वालों में से हैं, आज देर कैसे हो गई? हाँ भाई, रात देर तक लैब में काम करता रहा इसलिए आंख देर से खुली। माइक का है? Here. Good morning, my brother. Good morning. I'm sorry, I'm a little late. Hey, चलो बच्चा लोग। आपका लेट आना कोई नई बात नहीं है और आगे भी सुधरने का कोई चांस नहीं है। ए, मेरे होने वाली भाभी, आपसे किसने राय मांगी आपके होने वाले देवर के बारे में? वैसे मारिया भाभी, रॉकी भैया के बाद पछताएंगे बहुत। इसमें आपको क्यों तकलीफ हो रही है? अरे भाई, रॉकी मेरा भाई है, उसकी फिक्र करना मेरा फर्ज है। डैडी, रॉकी अंकल बॉम्बे से वापिस कब आएंगे? हाँ डैडी, हमें अंकल की बहुत याद आती है। देखो बेटे, तुम्हारे अंकल डॉक्टर तो बन ही चुके हैं, उसकी इंटर्नशिप के कुछ दिन अभी बाकी हैं। वो कुछ ही दिनों में आता ही होगा, वैसे मैंने उसे खत भी लिख दिया। हेलो। हेलो डॉक्टर रॉकी डिसोजा। डॉक्टर रॉकी डिसोजा हियर। सुना है कल आप गोवा जा रहे हैं? यस। तो फिर गोवा जाने से पहले हमारी वो दवाई अपने हॉस्पिटल के लिए अप्रूव करके जाइए जो आप रिजेक्ट कर चुके हैं। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, आपकी दवाइयां ठीक नहीं है। मैं आपसे दवाई की क्वालिटी नहीं पूछ रहा डॉक्टर, मुझे अप्रूवल पर आपके साइन चाहिए। इम्पॉसिबल। डॉक्टर, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी पहुंच कहां तक है। भले ही आपकी पहुंच प्राइम मिनिस्टर तक हो, लेकिन मेरी पहुंच मेरे मरीजों तक है और मैं उनकी जिंदगी से नहीं खेल सकता। तो फिर नजर घुमा कर देख लो डॉक्टर, हमारे आदमी तुम्हारे चारों तरफ खड़े हैं, उन्हें तुम्हारे हाथ से साइन करवाना भी आता है और ना करने पर हाथ तोड़ना भी आता है। ये रहे पेपर और ये रहा पेन, साइन कीजिए। इस काम के लिए मैं तुम्हारे बॉस को पहले भी इनकार कर चुका हूं। लेकिन हमारा बॉस इनकार सुनने का आदी नहीं है। लेकिन यहाँ कोई जगह खाली नहीं है। जगह है, ये झूठ बोलते हैं। तुम लेटो, मैं चलता। कमाल है। सॉरी डॉक्टर। ये क्या हो रहा है भाई, अब तुम कौन हो? मैं भी एक मरीज हूँ सर। कमाल है, समझ में नहीं आता कि हॉस्पिटल हो क्या रहा। सॉरी सर। हाय डॉक्टर डिसूजा, हॉस्पिटल में ये सब क्या हो रहा है? सर, ये गुंडे मुझसे जबरदस्ती नकली दवाइयां रिकमेंड करवाना चाहते थे। अच्छा। हाँ। गुड, वेरी गुड। नर्स, तुम इन सबको कंपोज का एक एक इंजेक्शन ठोको और पुलिस को भी टेलीफोन करो। ओए। अरे रॉबर्ट। हाँ जोसेफ। तुम नहीं जानते, कल रात वो चुड़ैल फिर आई थी मेरे कमरे में। हाँ, परसों रात वो मेरे कमरे में आई थी। और उसके पांव उल्टे थे पीछे की तरफ और हाथ भी उल्टे ऐसे। अबे कितनी बात है, दूर रहकर। अबे अंकलो,
हॉर्न क्यों बजा रहे हो? गाड़ी आ गई, डॉक्टर आ गया उठा के। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। अरे लेकिन तुम डॉक्टर से डरते क्यों हो इतना? अरे डॉक्टर के पास ऑपरेशन का बैग होगा, उसमें सुई छुरी कैंची होगी, और न जाने मरने वाले की कौन कौन सी जगह पर चली हुई होगी, न जाने कौन सी आत्मा निकल के मेरे अंदर घुस जाए। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। नाम हिटलर है, है? और है कितना डरपोक। रॉबर्ट चलो इसका डर निकाल दे, डर निकाल दे, चलो चलो। अरे अभी दिल अबे अभी क्या करके। जीसस क्राइस्ट सेव मी, सेव मी। क्या बात है हिटलर, तुम कांप क्यों रहे हो? डॉक्टर जी आपके बैग से डरता है, कहता है कि उसमें किसी मरीज की रूह ना हो। आ गया हिटलर। हिटलर पहले तुम भूत प्रेत से डरते थे, आज मेरे बैग से डर रहे हो, और कल धूप हवा और पानी से भी डरने लगोगे। तुम्हारे डैडी कहाँ हैं? तुम्हारे डैडी कहाँ हैं? डैडी अंदर बैठे हैं, उठा के। क्या उठा के? क्या उठा के? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, हर बात में उठा के बोलना इसकी आदत है। आप मेरे साथ आइए उठा के। ओह यस। डॉक्टर साहब आप भी उठा के। इडियट। इडियट। बैग उठा के। बैग उठा के। इडियट। गाड़ी उठा। शट अप। Oh, great again. हाँ नेपोलियन साहब, कहिए आप कैसे हैं? जी रहा हूँ, गिरा के। उठा के। Shut up! उठा के का बच्चा। रिलैक्स नेपोलियन, रिलैक्स। इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ डॉक्टर साहब? इस कम वक्त को उठा के बोलने की आदत है, और उसकी वो आदत दूर करने के लिए मैंने गिरा के बोलना शुरू कर दिया। अब इस कमबख्त क्यों उठा के बोलना खत्म नहीं हुआ, और डैडी का गिरा के भी चालू है। फिर बोले कोई बात नहीं भाई। डॉक्टर साहब, मीट माय न्यू सेक्रेटरीज 36 मिस्टर नेपोलियन। मैं यहाँ इनके बारे में कुछ जानने नहीं आया, बल्कि आपकी तबीयत पूछने आया हूँ। आपकी रिपोर्ट क्या बोलती है गिरा के? कब मरेंगे डैडी? हिटलर! मरना तो है ही एक दिन, बस पूछा है। देखो नेपोलियन, एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं बल्कि एक दोस्त की हैसियत से समझा रहा हूँ कि अगर बुढ़ापे में तुम्हारी लड़कियों का शौक खत्म नहीं हुआ तो ये बीमारी बढ़ भी सकती है। बाकी आपकी मर्जी है, आप बहुत समझदार हैं। अच्छा मैं चलता हूँ। सी यू अगेन डॉक्टर। क्या था? क्या था? डॉक्टर मेरा बच्चा बच तो जाएगा ना? आई एम सॉरी मिस्टर दीवान, नो चांस। ये कैसे हो सकता है? ये तो भला चंगा था, फिर अचानक ये बीमारी, ये मौत। देखिए, ये सीवियर ड्यूमेटिक वेक्यूलर हार्ट डिजीज का केस है, इसमें कभी भी और कुछ भी हो सकता है। मुझे अफसोस है, ये या तो कुछ घंटे या कुछ दिनों का मेहमान है। आई एम सॉरी। लेकिन डॉक्टर ये तो, डॉक्टर सुनिए तो। डॉक्टर साहब मेरे कुल के इस चिराग को बुझने से बचा लीजिए, चाहे तो मेरी सारी दौलत ले लीजिए। अगर दौलत से हेल्थ और हैप्पीनेस खरीदी जा सकती तो दुनिया का कोई भी दौलतमंद ना तो कभी मरता और ना ही दुखी होता। डॉक्टर साहब आप तो हार्ट के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं, और मैंने सुना है कि आपने बहुत से तजुर्बे भी किए हैं। हाँ तजुर्बे तो किए हैं, लेकिन अब तक पूरे तौर पर कामयाब नहीं हुआ। अगर मैं आपके बेटे को ठीक कर सकता तो जरूर कर देता, उसे मुझे दौलत मिलती, सारी दुनिया में शोहरत मिलती, लेकिन यह केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ सिर्फ एक ही चांस लिया जा सकता है, और वो है हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट ट्रांसप्लांट? यानी कि किसी दूसरे का दिल मेरे बच्चे के शरीर में डाला जा सकता है? हाँ डाला तो जा सकता है, लेकिन यहां नहीं, क्योंकि अभी हमारे यहां ऑपरेशन की वो फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन साहब आप जैसा स्पेशलिस्ट अगर वैसा ही ऑपरेशन यहां करके दिखा दे तो आप सोचे दुनिया में आपको कितनी इज्जत मिलेगी, कितना बड़ा नाम होगा आपका, लोग आपको दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर कहेंगे, सबसे बड़ा डॉक्टर, डॉक्टर डिसोजा। लेकिन दीवान साहब ऑपरेशन के लिए एक यंग हेल्दी हार्ट भी तो चाहिए, जो किसी मरीज का नहीं बल्कि किसी सीरियस एक्सीडेंटल केस का हो, और अगर हार्ट मिल भी जाए तो ऑपरेशन करके चांस लिया जा सकता है, कामयाबी की उम्मीद नहीं की जा सकती। उम्मीद में तो दुनिया कायम है डॉक्टर साहब, हो सकता है कुदरत का कोई करिश्मा आपको शहरत और मुझे मेरा बच्चा लौटा। हाँ लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
जिंदगी में एक तजुर्बा करने का ख्वाब मैं हमेशा से देखता आया हूं, वो ख्वाब हकीकत बन सकता है। दीवान ने अपने बेटे के हार्ट ट्रांसप्लांट की इजाजत दे दी है। तो रुकावट किस बात की है, कर दो ना हार्ट ट्रांसप्लांट। मगर उसके लिए एक तंदुरुस्त दिल भी तो चाहिए। काश मुझे कोई दिल मिल जाए। Anyhow, let's see. कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल। पर विलियम, जब वहाँ इस वक्त तुम्हारी जरूरत ही नहीं तो फिर तो आरिया, मेरी कब कहाँ और कितनी जरूरत पड़ती है ये मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। सो जाओ। Thank you.
हॉस्पिटल से आ रहे हो ना? हाँ। तो वापस जाओ। अभी अभी डॉक्टर शर्मा का फोन आया था कि कोई सीरियस एक्सीडेंट केस आया है। ओह माय गॉड, तब तो मुझे वहां जाना होगा। डॉक्टर डिसूजा इज डेड। मौत की वजह? ब्रेन हेमरेज। आई सी। इसे फौरन ऑपरेशन थिएटर में ले चलिए। मैं इसका दिल निकालकर दीवान के बेटे के सीने में ट्रांसप्लांट करना चाहता हूं। मगर डॉक्टर डिसूजा, एक मर चुके इंसान का दिल, हाउ इज इट पॉसिबल? यही तो मेरा तजुर्बा है। मेडिकल साइंस ने तो प्लास्टिक के दिल में धड़कन पैदा कर दी थी, और फिर ये तो इंसान का दिल है। बट आई फील इट इज इम्पॉसिबल। डॉक्टर, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का कोई वर्ड नहीं है। इसे ऑपरेशन थिएटर ले आइए, क्विक। ओके, वार्ड बॉयज। मेरा बेटा। दीवान साहब, डॉक्टर डिसूजा की जय कहिए जय। इन्होंने आपके बेटे की जान ही नहीं बचाई, बल्कि मेडिकल साइंस के इतिहास में एक नया तजुर्बा भी कर दिखाया है। क्या? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर डिसूजा। मैंने कहा था ना कि ठीक है। दीवान साहब, अभी आपका बेटा 24 घंटे के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा। अगर 24 घंटे काट लेगा तो समझिए सब कुछ ठीक है। वो जरूर काटेगा 24 घंटे। जब कुदरत ने मेरा इतना साथ दिया है तो आगे भी मेरा साथ जरूर देगी। अरे भूत, अरे आप लोग वही भूत हो तो मेरे अंकलों के कमरे में जाते हो। अरे तो मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वहाँ जाओ, हम तुम्हें खाने आए हैं। अगर खाने है तो मेरे डैडी को खा लो। बहुत बड़ा मटन है वो, 105 किलो का। बड़ा मजा आएगा। अपू 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 अच्छा है। गुड, थैंक यू वेरी मच। एकदम सच, एकदम सच। क्या हाथ अच्छा है?
हमें उसकी नहीं इसकी जान लेनी है। उसकी जान भी तो लेनी है ना। इसकी जान लेनी है। इसकी जान लेनी है। नहीं डैडी, ऊपर मुझे डर लगता है। मैं आप ही को बस सोऊंगा उठा के। मेरे पास सोएगा। हम नहीं सोएगा मेरे पास। हाँ डैडी, आपको बस सोऊंगा। मुबारक हो दीवान साहब, ऑपरेशन कामयाब हो गया। He is definitely going to survive. अरे आ गया डॉक्टर डिसूज़ा। आ गया डॉक्टर साहब। Excuse me. 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। अब मरीज का दिल बिल्कुल तंदुरुस्त है, उसे कोई खतरा नहीं है। He is a normal man now. क्या ऑपरेशन से पहले आपको इतनी बड़ी कामयाबी की उम्मीद थी? उम्मीद ही नहीं बल्कि मुझे पूरा यकीन था कि I can do it. इतनी बड़ी कामयाबी के बाद कैसे महसूस करते हैं? बिल्कुल वैसा महसूस किया जैसे तेन सिंह ने माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर झंडा गाड़ते वक्त महसूस किया। डॉक्टर साहब देखिए, आप लोग फिलहाल डॉक्टर साहब को छोड़ दीजिए। आज रात मेरे घर पर जितने जी चाहे इनसे सवाल पूछ लीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर डिसोजा की कामयाबी पर आज रात मैं बहुत बड़ी पार्टी दे रहा हूँ। हाँ, हिंदुस्तान में डॉक्टर्स का नाम रोशन किया है तेरे भाई ने। आखिर भाई किसका है? मेरा है, मेरा। आई एम प्राउड ऑफ हिम। तो फिर हो जाए आज की शाम रॉकी के नाम। माइक, माइक। अरे क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही है हमारी होने वाली शादी जी। तुम्हारे भैया रॉकी का टेलीग्राम आया है। अच्छा, क्या लिखा? जीजा जी की कामयाबी पर कंग्रेचुलेशन भेजी है और साथ ही लिखा है कि बम्बई में बहुत बड़ा जश्न करेंगे। अच्छा हाँ। तब तो बड़े भैया की कामयाबी पर आज दो दो जगह जश्न होंगे, एक वहाँ बॉम्बे में और दूसरा यहाँ गोवा में है। बेटे लल्ला दिल में समा, ये रात है प्यार की।
आई लव। ठहरो, दूध मैं लाऊंगा। व्हाट इज दिस ड्रामा? सारे घर का काम अपन करता है, लेकिन ये दूध लाने का हर रोज काम आप क्यों करता है? नो क्वेश्चन, इस घर का मालिक मैं हूँ या तुम हो? मालिक आप हैं, इसलिए अपन कहता है दूध लाना अपन का काम है। देखो, तुम बटलर है, हम हिटलर है। आवा रे बाबू साहब, आवा। मेरी तू नकल मत निकाल, पतीले में दूध डाल उठाई के। दूध वाली दिन भर में कितना बांट देती हो? यही कोई 40-50 से। इतना ढेर कहती है? जरा हाथ तो लगाओ। तनी हाथ निकाला हाथ लगावा तो फिर कहा लगाऊ? गगरी माँ, गगरी माँ, ये गगरी बीच में कहा से आ गई? ये देख रहा हूं कि सभी मेरी कामयाबी से खुश हैं। सारे देश में हर अखबार में मेरे ही नाम का चर्चा हो रहा है और दुनिया के कोने कोने से मुझे मुबारकबाद के खत आ रहे हैं। लेकिन मेरी बीवी शायद मेरी इस कामयाबी से खुश नहीं है। वजह जान सकता हूं? क्योंकि एक शक मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है और यही बात मैं तुमसे पूछना चाहती हूं। क्या जानना चाहती हो? यही कि इतना बड़ा ऑपरेशन, तुम्हारी शौहरत और दीवान के बेटे को दी गई जिंदगी, कहीं किसी बेकसूर की मौत का सिला तो नहीं? कैसी बैकी बैकी बातें कर रही हो? विलियम, प्लीज एक बार कह दो कि मेरा शक सिर्फ एक शक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। कोई ये शक तुम्हारे दिल में आया कैसे मरिया? हर शक के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। वजह है, उस रात को एक तंदुरुस्त दिल के लिए तुम्हारा तड़पना, मुझसे ये कहना कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं जबकि तुम नहीं गए, तुम्हारे वापस लौटने तक एक सीरियस एक्सीडेंट का फोन आना, तुम्हारी गाड़ी पर एक्सीडेंट के निशानों का पाया जाना, ये सब वजह है मेरे शक की। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी एक को जिंदगी देने के लिए तुमने किसी दूसरे की जिंदगी छीन ली? बढ़िया, कह दो कि झूठ है, कह दो कि मेरा वहम है, कह दो कि तुमने अपनी शोहरत के लिए किसी बेगुनाह का कत्ल नहीं किया, कत्ल नहीं किया, कत्ल नहीं। शट अप मारिया। एक बात याद रखो मारिया, दोबारा तुमने ऐसी बेहुदा बात की तो आई किल यू, आई किल यू, अंडरस्टैंड? तुमने अगर मुझे मार भी दिया तो कोई बात नहीं, पर याद रखना विलियम, ऐसा किया है तो वो बेकसूर मौत कब्र में चैन से नहीं बैठेगी। अगर तुमने ऐसा किया है तो इस घर का सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसकी मौत शराब बनकर तुम पर, तुम्हारे घर पर, तुम्हारे घर वालों पर कहर बरपा कर देगी। शराब किटी, ऐसा करो, बच्चों के कमरे में जाके उन्हें सुला दो, सुबह उनको स्कूल जाना है। जी, यहाँ का काम मैं देख लूंगी। ओके। Thank you.
क्या हुआ भाभी, आप इतनी घबरा भी क्यों है? माइक, माइक, अभी अभी किचन में मुझे किसी ने छुआ, लेकिन लेकिन वहाँ कोई नहीं था, पर मैं यकीन से कह सकती हूँ वहाँ कोई था, लेकिन दिखाई नहीं दिया। देखिए भाभी, ये सब आपका वहम है। पर माइक, मैं यकीन से कह सकती हूँ मुझे किसी ने छुआ। अब आप अकेले इतनी रात गए तक घर का काम करेंगे तो ऐसा तो होगा ही। आप जाइए सो। पर माइक, कोई डिस्कशन नहीं, आप जाइए सो जाइए। उलट-पुलट हो गया है, सब खिड़कियाँ और दरवाजे अपने आप खुलते हैं और अपने आप बंद हो जाते हैं, और ये देखो पापा, ये ब्रश ने अपने कांच पर क्या लिख दिया है। अच्छा, तो चीजें अपने आप उलटने पलटने लगी और ब्रश ने अपने आप लिखना शुरू कर दिया। यू स्काउंडल्स, मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। मैं जानता हूं कि मेरे बच्चों को तुम मेरे खिलाफ पट्टी पढ़ा रही है, लेकिन आज मैं तुझे इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि तू बच्चों को मेरे खिलाफ बहका सके। माइक, मैंने तुझे बच्चों की तरह पाला, पढ़ाया लिखाया, और आज तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तूने मुझ पर बंदूक डाल ली। पढ़ लिख कर मैंने यही सीखा है भैया कि औरत पे हाथ उठाने से बड़ी कायरता और कोई नहीं है। पता नहीं इस हंसते खेलते घर को क्या हो गया। God, please help us. Please help us. तुमने उसे गोली क्यों नहीं मार दी? तुम्हें उसे मार डालना चाहिए था, तुम्हें अपने भाई को गोली मार देनी चाहिए थी।
तुम्हारा भाई कातिल है, तुम्हारा भाई कातिल है, तुम्हारा भाई। सुना तुमने क्या कहा मैंने? तुम्हारा भाई कातिल है, मेरा कातिल। अब तुम मेरे जेरे असर रहोगे और उस हरामजादे विलियम डिसूजा के हंसते खेलते परिवार को तहस नहस कर दोगे। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें करना होगा क्योंकि मैं तुमसे करवाऊंगा। तुम्हें करना होगा क्योंकि मैं तुमसे करवाऊंगा। तुम्हें करना होगा। देखिए प्लीज, क्या आप मुझे शहर तक लिफ्ट दे सकते हैं? दरअसल पिछले मोड़ पे मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तभी से मैं सोच रही थी कि शायद कोई गाड़ी मुझे लिफ्ट देते। जनाब, मैं आप ही से बोल रही हूँ, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? हाँ हाँ हाँ, आइए आइए, जरूर बैठिए। आप ठंड से बहुत कांप रही है, लीजिए कोट पहन लीजिए। थैंक यू। इस तरह क्या देख रहे हैं आप? दरअसल उस दिन आपको बॉम्बे की पार्टी में देखा तो देखते ही रह गया, मगर आप अचानक गायब कहाँ हो गई थी? बॉम्बे की पार्टी में? लेकिन मैं तो कभी बॉम्बे गई ही नहीं। क्या लगता है आपने मेरी शक्ल से मिलती जुलती किसी और लड़की को देखा होगा? हो सकता है। खैर, मुझे रॉकी कहते हैं, और आपको? जूली। आप कुछ बात कीजिए ना। क्या बात करूं? हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम है, जब दो अजनबी हम सफर बनते हैं, इससे पहले की बात करने के लिए कुछ टॉपिक ढूंढे, सफर ही खत्म हो जाता है। हाँ? गाड़ी रोकिए, मेरा घर आ गया है, वो सामने है मेरा घर। अच्छा, लिफ्ट देने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओह, आपका कोट। रहने दीजिए, फिर ले जाऊंगा, इसी बहाने आपसे दोबारा मुलाकात भी हो जाएगी। थैंक यू। बात कर रही हो? मैंने अभी अभी बेल की आवाज सुनी है, और तुम कह रही हो कोई नहीं था?
ठहरो, मैं अभी आता हूं। रॉकी। हेलो भैया। हाय भाभी। हेलो। ये क्या तरीका है बार बार बेल बजाने का? बार बार बेल बजाने का? लेकिन मैंने तो सिर्फ एक ही बार बजाया। रॉकी, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे ऐसे बेहुदा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। कम ऑन भैया, सबसे पहले मुबारकबाद ले लो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डॉक्टर बनने की। ठीक है, नाउ गेट इन, चलो। हाय रॉकी, वेलकम होम। पिंकी, पीटर, तुम लोग ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? अंकल से नहीं मिलोगे? हाय माइक। हेलो, अरे भाई ये क्या हो रहा है? मैं इतने दिनों बाद घर आया हूं और किसी को खुशी नहीं हुई? भैया हाथ में बंदूक लिए खड़े थे और आप लोगों के चेहरे उतरे हुए हैं, आखिर बात क्या है? रॉकी, अभी अभी तो तुम आए हो, थोड़ा आराम कर लो, बाकी बातें कल सुबह कर लेंगे। हाँ, अरे डॉक्टर, लड़कियों का हमारे दिल से क्या ताल्लुक है? क्योंकि सेक्स और ओवर एक्सर्शन का सीधा असर दिल पर पड़ता है। तुम्हारे दिल की धड़कनों का बढ़ना, पसीना आना और सांस का चढ़ना इसी वजह से। देखो नेपोलियन, आज तक तो मैं तुम्हें दोस्त की हैसियत से मना करता रहा, लेकिन आज बहैसियत डॉक्टर मैं इन सारी लड़कियों की छुट्टी कर दूंगा। ऐसा मत करो डॉक्टर, ये लड़कियां चली गई तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम्हारा अच्छा बुरा तुमसे ज्यादा मैं समझता हूं, समझे? मेरी मिट्टी में मिल गई जवानी है। डॉक्टर विलियम के बच्चे ने तो हमारा सारा प्लान ही चौपट कर डाला है। सोचा था कि बुढ़ा सेक्स के चक्कर में अपने आप मर जाएगा, और रहा वो टोनी का बच्चा तो उस साले को हम डरा डरा के मत डालेंगे। डैडी, डैडी, वो लड़कियां चली गई हैं तो क्या हुआ? हम उस बुड्ढे के लिए खूबसूरत सी नर्स रख देंगे। ओहो, तू चुप रहा कर। बच्चा बिल्कुल ठीक कहता है, नर्स होगी तो डॉक्टर को शक भी नहीं होगा। हाँ। और वो ठरकी बुड्ढा अपनी ठरक से अपना मर जाएगा। वेरी गुड, कभी कभी तो मेरा चूजा भी अच्छी सी बातें करता है। अपना हिस्सा भी तो अच्छा होगा ना। और ठीक है तो फिर ठीक है, कल सुबह मैं एक खूबसूरत और हसीन नर्स का इंतजाम करता हूं। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग, कहो क्या बात है? जी, वो मैं जूली से मिलने आया था। जूली? कौन जूली? यहां कोई जूली वूली नहीं रहती। मगर ये फोटो तो जूली की है, और आप कहते हैं कि जूली यहाँ रहती नहीं है, फिर ये फोटो किसकी है? ये मेरी बेटी रुबीना की है। रुबीना? ये फोटो रुबीना की हो या जूली की, लेकिन मैं यकीन के साथ सकता हूं कि कल रात मैं इसी लड़की से मिला था। पर इसे मरे तो 24 साल हो गए। मैं मानने को तैयार नहीं। मानने को तैयार नहीं? आओ मेरे साथ। ये देखिए बाबूजी, रुबीना की कब्र है। अपने इस बूढ़े बाप का सुख चैन छीनकर खुद कितने आराम से सो रही है। यह तो मेरा कोट है, कल रात यही कोट मैंने उसे दिया था। तो फिर यकीनन तुम्हारी मुलाकात रुबीना की रूह से हुई होगी। मेरा यकीन यह सब मानने को तैयार नहीं। लेकिन मैं इन बातों में यकीन करती हूँ फादर, इसलिए तो डरती हूँ कि कहीं वो अनजान ताकत मेरे घर को आकर तहस नहस ना करते। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, भगवान ईसा मसीह सब कुछ ठीक कर देंगे। फादर, अगर आप एक बार चलकर खुद मेरे घर को ब्लेस कर दे तो शायद। जरूर चलेंगे, इन हालात में तुम्हारे घर का ब्लेस करना हमारा धर्म है। फादर,
ये मेरी सिस्टर किटी। हेलो। हेलो। हाउ आर यू? और ये मेरे देवर रॉकी। हेलो फादर। दोनों की एंगेजमेंट हो गई है। यस फादर। और मेरे बच्चे पिंकी पीटर स्कूल गए हैं। गॉड ब्लेस देम। फादर ये मेरे दूसरे देवर माइक। हेलो हेलो। पिछले कुछ दिनों से इनकी तबीयत ठीक नहीं। आप फिकर ना करें मिसेस विलियम, इस घर को ब्लेस करेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू वेरी मच। बेटा बेटा आओ विलियम आओ, आप बड़े अच्छे वक्त पर आ गए, इनसे मिलो। ये हमारे यहाँ के चर्च के फादर हैं। फादर ये मेरे हस्बैंड विलियम। हेलो। आप हमारे घर में यहाँ कैसे आए? आपकी मिसेस को डाउट है कि इस घर में कोई इवल स्पिरिट है। मेरा नाम रॉकी, रॉकी डिसोजा। मगर मेरे लिए तुम जेम्स हो, मेरे जेम्स। मैं जेम्स हूँ या रॉकी, इसका फैसला बाद में हो जाएगा। पहले ये बताओ तुम हो कौन? वो लड़की जो बॉम्बे में दिखाई दी थी, या जूली जो कल रात मुझे बरसात में मिली थी, या रुबीना जो आज से 24 साल पहले मरी थी उस बुढ़े की कहानी के मुताबिक? वो कहानी एक ऐसी हकीकत जो आज से 24 साल पहले कहर बन के टूट पड़ी थी। इस रॉकी का जन्म मेरे जेम्स की मौत थी, और जेम्स तुम्हारे पिछले जन्म का नाम है। नहीं मानता। और फिर इस बात का सबूत क्या है? सबूत में शक की गुंजाइश नहीं होती, और मैं तुम्हारे पिछले जन्म का सबसे बड़ा सबूत हूँ। पिछले जन्म में तुम मुझसे बेतहा मोहब्बत करते थे, और मेरी आत्मा तुम्हारे मिलन के लिए भटक रही है। लेकिन अब तो मैं तुम्हारे सामने हूँ रुबीना। न जाने क्यों मैंने जब से तुम्हें देखा है, एक अजीब सी कशिश मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है, और मैं खींचे चला जाता हूं। मेरे पास आओ रुबीना, मुझे अपना लो रुबीना, 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 मेरे पास आओ रुबीना, रुबीना, क्या? रुबीना, रुबीना, रुबीना,
पता नहीं मारिया को क्या हो गया। दीदी, दरवाजा खोलो। मारिया। दीदी। मारिया। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो मारिया। माइक। दीदी, दीदी। क्या बात है दीदी? क्या हुआ? मारिया, इस तरह क्यों चिल्ला रही थी? क्या हो गया था तुम्हें? इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहा था, दरवाजा क्यों नहीं खोला तुमने? किटी, माइक, तुम दोनों बाहर जाओ। लेकिन दीदी क्या हुआ? कहा ना बाहर जाओ। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया मारिया, क्या बात है? सुन सकोगी? रेप हुआ है मेरा। सुना तुमने? रेप हुआ है मेरा, बलात्कार हुआ है मेरा। रेप? बलात्कार हुआ है आपका? वेरी गुड। पूछ सकता हूं कि आपका बलात्कार किसने किया है? एक रूह ने। बहुत रबेश। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो ये देखो, ये सभी मेरा वहम है क्या? ये सब कुछ खुद तुमने अपने हाथों किया है, खुद तुमने। मैंने? हाँ मरिया, जहां तक मैं समझ रहा हूं, ना सिर्फ तुम वहम का शिकार हो बल्कि साइकोटिक हो गई हो। ये ऐसा मर्ज है जिसमें मुब्तला होकर इंसान अपने हाथों वही सब कुछ कर गुजरता है जिससे या वो डरता हो या जिसे चाहता हो, और ठीक यही सब तुमने अपने हाथों किया है। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम्हारे इस रवैये का काफी हद तक जिम्मेदार मैं हूं, गलती मेरी है। अपने कामकाज और तजुर्बों में मैं इस कदर खो गया कि मैं ये भूल ही गया कि मेरी एक पत्नी है जो एक औरत भी है और जिसे अपने पति का प्यार और साथ चाहिए। तुम्हारी आज की ये हरकत और रूह का वहम मेरी ही बेरुखी का नतीजा है। मारिया, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने प्यार की इस कमी को पूरा कर सकूं। नाउ रिलैक्स। जब से ये नर्स कमबख्त घर में आई है, उबली हुई बाजी पानी की तरह सूप पीते खा खा के मैं बीमार हो गया। तू मुझे एक चिकन खिला दे। चिकन? मुर्गी मुर्गी मुर्गी। हाँ मुर्गी। सर लेकिन आप चिकन हजम कर सकेंगे? बरकरदार, ऐसी कई चिकने हम हजम कर चुके हैं, हम खाने पीने के मामले में कुत्ते हैं, कुत्ते। तो फिर चलिए मेरे पीछे तुम हिलाते हुए। अरे चिकन खा रहा था उठा के, कमरे में डर लग रहा था इसलिए यहाँ आ गया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मैं भी चिकन खाने आया हूँ गिरा के। आप चिकन खाइए? नहीं आप मत चिकन खाइए, नहीं तो आप मर जाएंगे और मर के भूत बन जाएंगे और फिर आके मुझे डराएंगे। नहीं मत खाइए। अरे मेरे चिकन दे दे, तो इतने जोर ला भूत आवाज आ रहा है, मर जाएगा। नहीं मर जाऊंगा। अरे भूत क्या? अरे चिकनी गई। अरे चिकनी गई। अरे चिकनी गई। बेटा नेपोलियन, लगता है बोनापार्ट हो गया। अब इस घर में न लड़कियां है न चिकन है। चाट लो। चाट लो। रॉकी, एक बात पूछूं? पूछो। इस बार जब से तुम बॉम्बे से आए हो, तुम्हारा रवैया मेरे साथ वो पहले जैसा नहीं है। ना वो पहले वाली मजाक है, ना वो हंसी है, और आजकल तुम रात रात भर अपने कमरे से गायब रहते हो। आखिर बात क्या है? अच्छा हुआ किट्टी,
जो बात मैं कह नहीं पा रहा था वो तुमने खुद ही पूछ ली। मुझे भूल जाओ किट्टी। क्यों, मुझसे क्या भूल हुई है रॉकी? मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कोई कसूर नहीं किट्टी, पर अब हमारा मिलन शायद मुमकिन नहीं। आई एम सॉरी। रुबीना, तुम उस दिन की तरह अचानक गायब मत हो जाना प्लीज। मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो कहो ना जेम्स, तुमसे कुछ सुनने की इच्छा में मैं पिछले जन्म से भटक रही हूँ। रुबीना, तुम मेरे दिलो दिमाग पर छाई रहती हो, आखिर क्यों? हर वक्त मैं तुम्हीं से मिलना चाहता हूँ, तुम्हीं से बातें करना चाहता हूँ, आखिर क्यों? भाई साहब, आप इतनी रात गए इस सुनसान जगह पर किससे बातें कर रहे हैं? क्या मतलब, देखते नहीं सामने कौन खड़ा है? सामने मुझे तो यहाँ आसपास भी कोई दिखाई नहीं देता। लगता है आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मेरी सलाह मानिए, आप घर जाकर आराम कीजिए। आप घर जाइए, मैं बाहर जाता हूँ। मुझे तुम्हारे सिवा कोई नहीं देख सकता जेम्स। रुबीना, हालांकि मैं एक डॉक्टर हूँ, फिर भी मुझे तुम्हारी बातों पर और हमारे पिछले जन्म की हकीकत पर यकीन होने लगा है। अच्छा रुबीना, हमारा मिलन कब होगा? अब तक तो हमें ऐसे मिले जैसे जमीन और आसमान, जो असल में कभी नहीं मिलते। मैं ये चाहता हूँ हम ऐसे मिले कि फिर कभी जुदा ना हो। जेम्स, इसके लिए तुम्हें वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। हेलो रुबीना, रात में तो मैं तुम्हें तुम्हारी आवाज के सुनता हूँ और मुझे सुकून मिल जाता है, मगर दिन में तुम्हारे लिए तड़प जाता हूं। तुम मुझे अपनी कोई निशानी दे दो जिसके सहारे मैं अपने दिन काट सकूं। रुबीना, मुझे अपना ये लॉकेट दे दो। नहीं जेम्स, ये लॉकेट मैं तुम्हें नहीं दे सकती, क्योंकि इसके पीछे एक दर्द भरी दास्तां है। मगर तुम्हारा ये लॉकेट मेरे उस दर्द का इलाज है जो दर्द तुम्हारी जुदाई ने मुझे दिया है। अच्छा तो ये लो। रुबीना, 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 ha 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 ha
सलाम नहीं आ जाए। मुझे क्या हो जाता है, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है रॉकी, मुझे बचा लो मेरे भाई, मुझे बचा लो माइक, रॉकी मुझे बचा लो। कहिए मिस्टर निपोलियन, कैसे हैं आप? आग होते हुए और कोई कैसे हो सकता है सिस्टर? आपका हर तरह से ख्याल रखना हमारी ड्यूटी है। किसी को बुलाओ, मैं तुम्हें कंप्लेन करूंगा। पर मिस्टर नेपोलियन, इस तरह से तुम्हें फंस जाऊंगी। तुम्हें फंसने की पड़ी है, मुझे मार डाला है। ठीक है तो मैं आपके साथ ही अभी दूर कर देती हूँ। थोड़ी कम हो रही है सर, और कम।
कितनी लंबी। क्या हो रहा है? देखो। अरे तू बच्चा है, पीछे हट। काम हो गया? हाँ, काम हो गया। ये मर चुका है। गॉड, लाओ मेरे 50,000। अरे 50,000 भी दे देंगे, पहले हमें रोने धोने का नाटक तो करने दो। अरे भाई साहब, डैडी स्माइल प्लीज। हो सकता है क्या गया? थैंक यू डैडी। आई एम सॉरी मिस्टर हिटलर। इट्स ऑल राइट। ये लीजिए। ये क्या है? आपको शर्म आती जी? मेरे डैडी मरे पड़े हैं और आप ब्लू फिल्म ले आए, मैंने कल मंगाई थी। ये ब्लू फिल्म नहीं है। हाँ। आपके डैडी की वसीयत है। डैडी की वसीयत वीडियो में? क्या वीडियो क्रेज है? कौन से पार्लर से आए आप? कहीं से भी आए हो, मुझे नहीं देखनी ये फिल्म, मुझे नहीं देखनी ये फिल्म। देखो हिटलर बेटे, इस फिल्म को देखना बहुत जरूरी है। हाँ हिटलर बेटे, रॉबर्ट ठीक कहता है। हाँ, आपके डैडी की तमन्ना थी कि उनको दफनाने से पहले आपको ये दिखाई जाए। प्रिंट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट? ओरिजिनल है। मुझे यकीन है फिर भी अच्छा नहीं होगा। डैडी की कोई चीज अच्छी नहीं होती थी, मगर देखनी पड़ेगी। अरे डैडी। हेलो एवरीबॉडी, गिरा के उठा के Shut up! मैं नेपोलियन डिकोस्टा अपने होश और हवास में अपनी वसीयत बयान करता हूं। मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी का सिर्फ एक हकदार है। 100% मेरे बेटे हिटलर को जाएगा। मगर 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 हिटलर एक शर्त है बेटा, एक शर्त है। मैं हिटलर जैसे डरपोक को एक बहादुर इंसान बनाना चाहता हूँ, ताकि वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी संभालने के काबिल बन जाए। हिटलर को एक रात अकेले कब्रिस्तान में गुजारनी पड़ेगी। कब्रिस्तान में? नहीं। और अगर तुम कब्रिस्तान में एक रात अकेले नहीं रहे तो तुम्हारी सारी जायदाद कुत्तों में बांट दूंगा, यानी जोसेफ और रॉबर्ट में। कब्रिस्तान में तो मैं मर जाऊंगा डैडी। तुम्हें कब्रिस्तान में रहना ही पड़ेगा। अरे बस। अरे अरे डैडी, डैडी, अरे डैडी, डैडी, अरे डैडी गुल, डैडी गुल, डैडी, अरे डैडी, डैडी टीवी गुल, टीवी गुल, अरे डैडी, टीवी में से निकलो, टीवी में से निकलो, कॉफिन में से निकल जाओ। अरे कब्रिस्तान जाना होगा बस। अरे जोसेफ, ये तो भाई साहब ने अपने बेटे को मरवाने वाली बात की। हाँ। रात के वक्त कब्रिस्तान में भूत प्रेत किसी को एक घंटा भी जिंदा नहीं छोड़ते। और क्या भाई साहब, तो रहे नहीं, नहीं नहीं। और इसे भी कब्रिस्तान में भूत या चुड़ैल खा गई तो? नहीं, 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 मैं नहीं जाऊंगा कब्रिस्तान। सारी दौलत तुम लोग ले लो। बेटे अगर सारी दौलत हमें मिल भी गई तो हम भी तो तुम्हारे हैं। बुड्ढे तू तो जा रहा है कब्रिस्तान, साथ में मुझको भी घसीटना चाहता है। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तुम्हारी होने वाली भाभी गिट्टी बहुत खूबसूरत है।
जाओ और जाकर उसकी इज्जत लूट लो। नहीं, ये जलील का मैं नहीं कर सकता। नहीं, उसकी इज्जत तुम नहीं, मैं लूट रहा हूं तुम्हारे जरिए। जाओ माइक, जाओ। नहीं, नहीं। In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. लाइट ऑफ करो। रॉकी कह रहा था तुम्हारी तबीयत खराब है, क्या हुआ तुम्हें? माइक, शक्ल से भी तुम बीमार लग रहे हो। मैं एकदम ठीक हूँ किटे। आज तुम्हें हुआ क्या है? पहली बार तुम मुझे किटी बोल रहे हो, होने वाली भाभी नहीं। वरना तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? वो क्रॉस उतारो। मैं कहता हूं वो क्रॉस उतारो। अब कपड़े उतारो। मैं कहता हूं कपड़े उतारो। ये सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हुआ? मैंने शुरू शुरू में जो भी किया डर के किया, क्योंकि माइक की आंखें और उसकी आवाज ऐसे बदल गई थी जैसे माइक माइक ना हो, कोई और हो। ये तो मैंने ही महसूस किया है कि माइक के साथ कुछ प्रॉब्लम जरूर है। तो जाहिर है कि जो कुछ भी हुआ तुम्हारी मर्जी से नहीं हुआ। मैं ऐसा भी नहीं कह सकती। शुरू शुरू में भले ही मैं डर रही थी, मगर बाद में मुझे भी वो सब अच्छा लगने लगा। अच्छा ये बताओ, जिसे तुम्हारी शादी होने वाली है तुम उसे प्यार करती हो? प्यार तो करती थी, मगर उसने कभी मेरे प्यार का जवाब प्यार से नहीं दिया। तो फिर तुम उसी के साथ शादी कर लो जिसके साथ तुम्हारे जिस्मानी ताल्लुकात हो चुके हैं। इससे तुम दोनों को अपने पाप का प्राचित करने का मौका मिल जाएगा और माइक को सहारा मिल जाएगा जिसकी उसे इस वक्त सख्त जरूरत है। थैंक यू फादर, आपने मेरे दिल का बोझ बहुत हल्का कर दिया। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। थैंक यू वेरी मच बाबूजी। अरे मधुमती, तुम नदी पार करके आ गई, आओ यहाँ बैठ जाओ। तुम्हारे पिताजी का मौत का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अरे हट। सुना है उन्होंने वसीयत किया है कि तुमको एक रात कब्रिस्तान में बिताना होगा। अभी
कब्रिस्तान। अरे हो कोई भी तान बट नो कब्रिस्तान, नहीं तो निकल जाएगी मेरी जान। मैं भी अपने डैडी के पास पहुंच जाऊंगा उठा के। इसका मतलब है दूध की पहली धार का तुम पर कोई असर नहीं हुआ है। इतना डरत हो तो कब्रिस्तान में रात कैसे बिताओगे? अरे कौन रात काटता है कब्रिस्तान में? सारी दौलत रिश्तेदारों में चली जाए, वचन जाए पर प्राण न जाए। अरे कब्रिस्तान में मुझे कोई भूत-भूत चिटक गया तो मैं तो चटक चांदनी बन जाऊंगा। अरे बाबू क्या बात करत हो, जहाँ इंसान थककर लंबी नींद सोवत हो वहाँ किस बात का डर? मधुमती तुम्हारी शायरी तो ठीक है मगर जोसेफ अंकल और रॉबर्ट अंकल कहते हैं कि वहाँ भूत घूमते हैं उठा के। वो लोग आपको दौलत के लिए डराते हैं, भूत भूत कुछ भी नहीं है, ये सब तो मन का वहम है। हाँ अगर आप कब्रिस्तान नहीं गए ना तो वो लोग आपकी सब दौलत हड़प कर लेंगे और आपको ना एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। इसीलिए कहती हूँ कि आप कब्रिस्तान चले जाइए और एक आध बार ना हम भी आपकी हौसला अफजाई के लिए वहाँ आएंगे। अरे अब तो कब्रिस्तान क्या है, हम कब्र में भी सो जाएंगे। कहाँ फंस गए? भूत और चुड़ैलों से बचने के तरीके। छम 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 छम, चुड़ैल है, चुड़ैल का चैप्टर, चुड़ैल का चैप्टर, चुड़ैल। अगर किसी कब्रिस्तान या सुनसान जगह में छम छम की आवाज आए तो समझ लो कि जरूर वो चुड़ैल है। अबे समझ गया, वो चुड़ैल है, बचने का तरीका बता जल्दी। चुड़ैल से बचने का एक ही तरीका है। अबे वो क्या तरीका है? वो तरीका है आदमी चुड़ैल के सामने नंगा होकर खड़ा हो जाए। नंगा नंगा हो गया, दंगा दंगा, पैर नजदीक आ रहे हैं, चुड़ैल नजदीक आ रही है, तू दूर जा। क्या करूं, क्या करूंगा? नंगा 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 नंगा, ये गई, अब होगी कबड्डी, हो गया नंगा, अब होगा तेरा मेरा दंगा। आ जा आ जा आ जा आ जा, दूध वाली शर्मा गई क्यों? कपड़े पहन, मधुमती शर्मा मती, बदल गई गति। ये आप क्या कर रहे थे? अरे ये पोज तो चुड़ैल के लिए था, मगर तुम इतना क्यों डर गई? वो ऐसे ही, देखिए ना आपके लिए दूध लाई थी, सारा गिर गया। कोई बात नहीं, और लेके आती हूँ। और लेके मैं ये दूध चखूंगा, हाथ फाड़ूंगा, मगर तुम अकेला छोड़कर मत जाओ। मैं अभी जाती और अभी आती, मैं जाती। मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं? बेहतर है कि चाय के झड़ पे चढ़ जाऊं।
होली फादर हेल्प करो तुम मत बुरा आया है एक तरफ उसका डेरा एक तरफ माया है आया है एक तरफ भूतों का ढेरा एक तरफ माया है मोटू जी की विल के कारण उलझन में है सारा जीवन मोटू जी की विल के कारण उलझन 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 होगा ईश्वर अल्लाह प्लीज प्लीज हेल्प मुश्किल में है जान मेरी ऊपर वाले ये कोई भूत प्रेत नहीं है तो तैसी हमारी ऐसी ठहरो नकली भूत अभी तीन हमारे भागते का हो ठहरो ठहरो अगर तुम भूत हो तो मैं चुड़ैल हूँ ये ले सुनो तो और ये भी गायब और तुम ये नकली भूत अरे जोसेफ अंकल ये कौन है ये रॉबर्ट है रॉबर्ट देखा ये कोई भूत नहीं है आप ही अरे गेट आउट फ्रॉम माय कब्रिस्तान यू कम नियर टू मी यू डियर टू मी मुर्दे इधर आ जाओ इधर आओ माइक
किटी, मैं तुमसे अपने गुनाह के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं माइक, ऐसा मत बोलो। कभी कभी कोई ऐसा गुनाह जिंदगी को एक हसीन मोड़ भी तो दे सकता है। हसीन मोड़? यस। देखो माइक, जब रॉकी मुझे चाहता ही नहीं, तो मैं क्यों उससे प्यार की आशा रखूं? और जब हम दोनों के बीच जिस्मानी ताल्लुकात हो ही गए हैं। मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता। तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। कुछ भी? आत्महत्या कर सकते हो? आत्महत्या? हाँ जेम्स, और कोई रास्ता नहीं। तुम्हारे आत्महत्या करने से ही हम दोनों का मिलन मुमकिन है। ठीक है रुबीना, हमारा मिलन मेरी जिंदगी की कुर्बानी मांगता है, तो मैं तैयार हूँ। तो फिर कूद जाओ मेरी उस चोटी से। ठीक है। रॉकी, मुझे छोड़ के मर जाओ। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी रॉकी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। रुबीना। हाँ रॉकी, मुझे माफ कर दो। मैं एक रूह नहीं बल्कि जीती जागती लड़की हूँ। तो फिर ये सब नाटक था? हाँ, वो सब नाटक ही था। बॉम्बे की वो पार्टी, बरसात में हमारी वो मुलाकात, मेरे डैडी का बयान कि मैं 24 साल पहले मर चुकी हूँ, यहाँ तक कि कब्र पर तुम्हारे कोट का होना, और उस रात उस आदमी का मुझे ना देख सकना, वो सब नाटक ही था। मेरी और मेरे डैडी की सोची समझी साजिश थी। लेकिन साजिश की वजह? मैं तुम्हारी मौत चाहती थी, ताकि तुम्हारे भाई डॉक्टर विलियम डिसूजा से अपने भाई की मौत का बदला ले सकूं, जिसका कत्ल किया था तुम्हारे भाई ने। ना मेरे भैया ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि तुम्हारे भाई को एक तंदुरुस्त दिल चाहिए था, जिसे बदलकर वो नाम और इज्जत मानता था, और उसी का शिकार हुआ मेरा बेकसूर और बदनसीब भाई। तो तुमने अपना बदला क्यों नहीं किया? मुझे मरने से क्यों रोका? तुम्हारी मोहब्बत ने मेरी नफरत को हरा दिया है रॉकी। तुमसे प्यार का नाटक करते करते मैं सचमुच तुमसे प्यार करने लगी। I love you, Rocky. I love you. अगर मेरे भाई ने सचमुच कोई गुनाह किया है, तो आज से मैं उस पापी का घर छोड़ दूंगा, और कल तुम्हारे डैडी से अपने भाई के गुनाह की माफी और तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। तो तुम्हें पता चल ही गया। खैर, मुझे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं बल्कि फख्र है कि मैंने एक कामयाब तजुर्बा करके लाखों इंसानों की जान बचाने का एक रास्ता ढूंढ निकाला। कैसा रास्ता? कत्ल करके जिंदगी देने का रास्ता, जिसे नहीं मेडिकल साइंस अपनाएगी और ना ही दुनिया का कोई कानून। और फिर आप एक इंसान के कातिल नहीं, आप कई इंसानों के कातिल हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? यह बकवास नहीं, हकीकत है, जिसका जीता जागता सबूत आपके लैब में पड़े हुए वो दिल, जिन्हें मैं अभी अभी देखकर आ रहा हूं। क्या आप बता सकते हैं वो इंसानी दिल आपने कहां से हासिल किया? ये दिल मैंने किसी का कत्ल करके नहीं, बल्कि अपने हाथों से कब्रें खोदकर मुर्दों के जिस्म से निकाले। क्या आज जीते जी इंसान को शांति नसीब ली, और आपने चैन से सोए हुए मुर्दों की शांति भी छीन ली? इतना घिनौना और गिरा हुआ काम? मैंने जो कुछ भी किया है इंसानियत की भलाई के लिए किया है। अगर इंसानी लाशों को चीरा फाड़ा नहीं जाता, तो मेडिकल साइंस कभी इतनी तरक्की नहीं करती। क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? क्या तुमने कभी पोस्टमार्टम नहीं किया? क्या दुनिया के सभी डॉक्टर ऐसा नहीं करते? करते हैं, मगर वो तजुर्बे का काम सिर्फ उन लाशों पर करते हैं जो लावारिस हो, या जो लोग मरने से पहले अपना जिस्म मेडिकल साइंस को दान कर गए हो। कब्र से लाशें निकालने का काम या कत्ल करने का काम कोई आदमी ही कर सकता है। डैडी, डैडी प्लीज रोक दीजिए उन्हें, रोक दीजिए। हटो पीछे। डैडी
मैं चाहता तो तुम्हारे इन कुत्तों की तरह तुम्हारी भी हालत करता, मगर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तुम इस लड़की के बाप हो जो मेरी जिंदगी है, जिसके लिए मैंने अपना घर तक छोड़ दिया। सुन लिया डैडी, रॉकी मुझे कितना चाहता है। ठीक है डैडी, अगर इतना सब होने पर भी आपको मेरा और रॉकी का साथ मंजूर नहीं, तो आप रहिए उस घर में अकेले, मैं तो वहीं रहूंगी जहाँ रॉकी मुझे रखेगा। निकल जाओ यहाँ से उठा के। लेकिन हिटलर बेटे, हट, पहले मेरी बात तो सुनो तुम। अरे क्या बात सुनूं? अरे डरा डरा के मुझे मार डालना चाहते थे, इसीलिए भूत बन बन कर आते थे। बेटा हम तुम्हें डराने नहीं, तुम्हारा दिल बहलाने आते थे। दिल बहलाने आते थे या दिल निकालने आते थे? अरे डैडी की जिंदगी में भी मुझे डैडी के खिलाफ भड़काते रहे तुम लोग। माई गॉन विद द विंड डैडी, आई एम सॉरी। तुम कहाँ चले गए उठा के? हम यहाँ है बेटे। भूत वो कुछ डैडी है, मगर तुम मर गए थे उठा के। हम मरे नहीं थे, मरने का नाटक किया था, समझे बेटे, और जानबूझ के किया था। तुम कब्रिस्तान और वहाँ जाके तुम्हारा हमेशा के लिए डर खत्म हो जाए और तुम्हें अपने और पराए की पहचान हो जाए। और इस मुहिम में हमारा साथ दिया था दो लड़कियों ने, एक तो इस नर्स जी ने जिन्हें हमें इन सब का राज बताया, और दूसरी कौन थी? वो हम हैं। अरे दूध वाली? हाँ दूध वाली नहीं, तुम्हें सुधारने में बड़ी मदद की है इसने, बड़ी मेहनत, मिल लो। दूध वाली? अरे दूध वाली, दूध वाली नहीं, घर वाली। अरे आपके डैडी देख रहे हैं? हाँ डैडी देख रहे हैं। अरे देख रहे हैं? अरे तो क्या हुआ, डैडी को मैं इसी तरह देखता रहता था, वो भी इसी तरह लगे रहते थे उठा के। भाई साहब, मेरे भाई साहब, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। माफ, माफ करूं? गेट आउट। देखिए भाई साहब, अगर आपने हमें घर से निकाल दिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? प्लीज 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 भाई साहब, मैंने कहा गेट आउट, आउट। अंकल जी इन कुत्तों को निकाल दीजिए, मुझे रख लीजिए। तुम्हें रख लूं? हाँ जी। तो इनको गेट आउट। बच्चे अपन के लिए क्या हुक्म है? तुम्हारी आंखें बड़ी प्यारी है। सुना, तुम वफादार हो ना, हम तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी का 10% मालिक बना देते हैं। फिर भी मैं यही नौकरी करूंगा, यही रहूंगा। गिरा के? गिरा के जी। We'll be right back.
फादर, आज मुझे यकीन हो गया कि सच मुझको विपरीत आत्मा है। जब तक मेरे घर वालों के साथ हादसे होते रहे तो मैंने किसी की बात नहीं मानी, लेकिन आज जब मुझ पर खुद बीती तो मुझे भी यकीन हो गया। फादर, मैं उस दिन की हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चलकर मेरे घर को ब्लेस करें। फादर, जरूर। हेलो सन, हाउ आर यू? मैं सिगरेट नहीं पीता। आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? तुम्हारे भाई मिस्टर विलियम ने मुझे इस घर को ब्लेस करने के लिए बुलाया था बेटा। तो फिर भैया के कमरे में जाइए, यहां क्या कर रहे हैं? ठीक है, God bless you my son, God bless you, कभी मिलेंगे। आइए फादर। ओ फादर, इस घर में रहने वाले अपने बच्चों का अमन अमान बख्श, ताकि वो तेरी दी हुई नेमतों के लिए तेरे हमेशा के लिए मशगूल। फादर, मेरा बेड ब्लेस कर दीजिए। जरूर। ओ फादर, इस घर से मुसीबतों को दूर रखो, अमन अमान बख्शो, यहाँ के सब लोग खुशहाल। माइक, तुमने मेरे सारे अरमान पूरे किए हैं। जो जो जब जब मैंने चाहा, तुमने किया। आज मेरे इंतकाम का आखिरी वक्त आ गया है। आज तुम अपने घर के किसी भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ोगे। नहीं नहीं, तुम उससे और कुछ भी करवा लो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, लेकिन जो लोग मेरी जिंदगी है उनकी जान मैं नहीं ले सकता, नहीं ले सकता मैं उनकी जान। तुम सभी को मरना है माइक। रॉकी, तुम? फादर, ये जूली है, हम दोनों इसी वक्त शादी करना चाहते हैं। बहुत खुशी की बात है बच्चों, जरूर करो शादी, पर इस वक्त नहीं। इस वक्त तुम फौरन घर जाओ और माइक को लेकर आओ, क्योंकि माइक एक शैतानी रूह के कब्जे में है और उसका इलाज सिर्फ चर्च में आने के बाद हो सकता है। तुम उसे फौरन यहां लेकर आओ, अगर उसका इलाज ना हुआ तो उसकी जान तो खतरे में है ही, बाकी और घर वाले भी मौत का शिकार हो सकते हैं। रॉकी, डोंट वेस्ट टाइम, फौरन जाओ और माइक को लेकर आओ। फादर, मैं किसी तरह भी माइक को यहां लेके आता हूं। जूली, तुम यहीं ठहरना, मैं अभी आया।
शायद तुम, तुम्हारे हाथ में ये बंदूक और तुम्हारी आंखों को क्या हो गया है? डॉक्टर विलियम डिसोजा, इस वक्त तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई माइक नहीं बल्कि तुम्हारी मौत खड़ी है। तुम ठीक पहचाना, मैं माइक नहीं हूं बल्कि वो बदनसीब हूं डॉक्टर जिसे मत से पहले मारकर जिसका दिल निकल गया था तुमने। ओ आई सी, देखो अपनी करने के लिए ना तो मैं पहले शर्मिंदा था और ना ही आज हूं, क्योंकि इंसानियत की भलाई के लिए मुझे जो तजुर्बा करना था वो मैंने कर लिया। अब मेरे उस गुनाह के लिए तुम मुझे जान से भी मार दो तो मुझे कोई परवाह नहीं। जान तो तुम्हारी मार लेकर ही रहूंगा डॉक्टर। क्या मार रहा है? मारना है तो एक साथ मुझे गोलियों से छलनी कर दे। दूसरों को बेदर्दी से तड़पा तड़पा के मारने वाला खुद आसान ना चाहता है? नहीं डॉक्टर नहीं, मैं तुझे उससे भी बदतर मौत दूंगा जो तूने मुझे दी थी। याद की सजा मिली है, मैं सबको मार डालूंगा। माइक, मैं तुम्हारी वो भाभी हूं जिसे तुम इतना प्यार करते हो, मां समझते हो जिसे तुम मां। नहीं बचेगा। नहीं, नहीं। मैं सबको मार डालूंगा तुम्हें।
मुझे मम्मी के पास जाने दो। मम्मी, 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 विक्की, मम्मी, विक्की, उठो ना मम्मी, उठो, मम्मी, मम्मी उठो ना, विक्की, विक्की हो गया, क्या हुआ मम्मी? मम्मी, मम्मी उठो ना, विक्की मम्मी हो गया। इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या है? माइक, क्या हुआ माइक? माइक, मिस्टर रॉकी, आपके भाई ने आपके सारे खानदान का मर्डर कर दिया है। व्हाट? यहां तक कि इसने किसी बच्चे को भी नहीं छोड़ा। ओ गॉड, माइक, ये सब तुमने क्या किया माइक? ये सब क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया मेरे भाई, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बचा लो, बचा लो मुझे, मेरे भाई बचा लो। तो वही हुआ जिसका फादर को डर था। इंस्पेक्टर साहब, मेरा भाई निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया, उसने जो कुछ किया शैतानी ताकत के दबाव में आकर किया। आई एम सॉरी मिस्टर रॉकी, कानून ये सब कुछ नहीं मानता। मानता तो मैं भी नहीं था इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं, लेकिन माइक की इस हालत ने मुझे मानने पर मजबूर किया। ठीक है, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो चर्च में चलकर फादर से पूछिए। हम इसे जेल के सिवाय और कहीं नहीं ले जा सकते। आपने जो कुछ भी कहना है प्लीज कोर्ट में कहिएगा। इंस्पेक्टर साहब, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। देखिए, पहले मेरे फैमिली के सब लोग मारे जा चुके हैं, अगर इसे कुछ हो गया तो। देखिए मिस्टर रॉकी, मैं आपके जज्बातों को समझता हूं, अभी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ओह, आप मेरी मदद कर सकते या नहीं ये मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, इस वक्त मेरे भाई को मेरी मदद की जरूरत है, और वो मैं करके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कानून क्यों ना तोड़ना पड़े। पकड़ लो इसे भी। रॉकी, मैं अब भी कहता हूं कि कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, मैंने जो कुछ किया काम तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने भाई को बचाने के लिए किया। चाहे तो आप मेरे पीछे पीछे चर्च तक आ सकते हैं। मुझ पर यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, एक बार मेरा भाई शैतानी ताकत से बचाए, मैं खुद उसे आपके हवाले कर दूंगा। रॉकी, रॉकी, रॉकी रुक जाओ, रॉकी, मैं कहता हूं रुक जाओ रॉकी, मैं फिर कहता हूं कानून को अपने हाथ में मत लो, पीछा करो। Thank you.
ठीक तो है ना? नहीं जूली, कुछ भी ठीक नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। अब तो सिर्फ यही जिंदा है, अब मैं इसे मरने नहीं दूंगा। आप तुम भगवान के घर आ गए हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, पहले तुमने मेरे भाई के हाथों मेरे पूरे खानदान का खात्मा करवा दिया, और अब उसी भाई पीछे पड़े आप? आखिर क्यों? क्या दुश्मनी तुम्हारी हमारे खानदान इस भाई से? जवाब दो, करो जवाब दो। जानना चाहता हूं मैं कौन हूं। मैं भाई हूं, हाँ, जो इस वक्त तुम्हारे साथ खड़ी है। एंथनी, मैं एंथनी, जिसने एक एक इसके खानदान के हर शख्स को मार डाला, और आज ये नहीं बचेगा, पूरा खानदान खत्म हो जाएगा, पूरा खानदान। छोड़ दो माइक को और जाकर समाधो अपनी कर, क्योंकि बेटे सुकून वही मिलेगा, कहीं शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारी दुश्मनी डॉक्टर विलियम डिसोजा के साथ थी, और तुमने अपना बदला भी ले लिया, यहाँ तक कि तुमने उसके बीवी और बच्चों को भी मार डाला। अगर तुम लॉकी को खत्म कर दोगे तो तुम्हारी बहन भी आत्महत्या, वो बहन जिसे हमसे भी ज्यादा चाहा था कि तुम्हारी बहन भी आत्महत्या कर। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारा बूढ़ा बाप भी मर जाए? अगर तुम अपनी बहन और बाप की जिंदगी चाहते हो तो छोड़ दो माइक को, छोड़ दो मेरे भाई, छोड़ दो।